हिंदी ब्रज भाषा की प्रख्यात लेखिका और कवियत्री स्वर्गीय विनोद कुमारी के 10वें कहानी संग्रह राजंती तथा अन्य कहानियों के लोकार्पण समारोह का आयोजन किया गया। सामाजिक संस्था हेल्दी स्माइल ग्रुप सोसाइटी की ओर से राजधानी के निजी होटल में आयोजित समारोह में साहित्यकार लोकेश कुमार सिंह साहिल, साहित्यकार नंद भारद्वाज और नीलिमा टिक्कू ने कहानी संग्रह का लोकार्पण किया। विनोद कुमारी किरण की रचनाएं और कहानियां सदैव समाज और आसपास घटने वाली सामाजिक संवेदनशील घटनाओं पर आधारित रही हैं। ये जो विमोचन है श्रीमती स्वर्गीय श्रीमती विनोद कुमारी किरण जो एक बहुत जानी मानी लेखिका थी उनके 10वें कहानी संस्करण का आज ये विमोचन किया गया है और उनकी जो मृत्यु है वो 2016 में हो गई थी। तो मरणोपरांत हमने हम सभी परिवारजनों ने उनका किताब का विमोचन किया। इस किताब के अंदर मुख्यतः कई तरह की छोटी छोटी लघु कहानियाँ हैं, लगभग 18 से 20 कहानियाँ हैं जिनके अंदर की समाज और समाज से जुड़े हुए संवेदनशील मुद्दे और ख़ासतौर पर जो महिलाओं के साथ जुड़े हुए मुद्दे हैं उनके ऊपर प्रकाश डाला गया है। और जैसे अंधविश्वास अभी तक कई रूढ़िवादिता के बीच में भी हम लोग कई जकड़े हुए हैं उनके ऊपर भी प्रकाश